तो गाइस वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज अपन देखने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिस्टमैटिक सेल्स। मैरिस्टमैटिक सेल के मुख्य फीचर्स अपन देखेंगे। देखो जो मैरिस्टमैटिक सेल्स होती है ना, ये लगातार डिवीजन करने वाली सेल्स होती है। ध्यान रखना, ये जो मैरिस्टमैटिक सेल्स होती है इनमें मेटाबॉलिक की जो एक्टिविटीज होती है बहुत हाई होती है। ध्यान रखना, ये लगातार विभाजनशील सेल्स होती है। ओके, जो मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं उनके फीचर्स में पहली बात अपन फीचर्स की करें तो ये जो मेरिस्टमैटिक सेल्स होती है ये आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होगा कि अगर अपन इनके डायामीटर की बात करते हैं, तो इनका जो डायामीटर है वो लगभग समान होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन इनके साइज की, तो साइज होगा इनका बहुत ही स्मॉल। ठीक है, और इनकी जो वाल होती है वो थिन वाल होती है। ये आपको ध्यान रखने की है कि जो आपकी मेरिस्टमैटिक सेल्स होती है इनकी वॉल होती है थिन वॉल। ठीक है, और ये स्मॉल रहेंगी, आइसो डायमेट्रिक रहेगी। ओके, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। दूसरी बात बताऊं, जो ये सेल्स होती है ना, ये सेल्स देखो, आप इन सेल्स को देखिए, जो ये सेल्स है ये कम्पैक्टली अरेंज दिख रही है आपको, सघन रूप से व्यवस्थित दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि सघन रूप से व्यवस्थित है, तो इनमें जो आईसीएस है, वो नहीं पाए जा रहे हैं, यानी जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो इनमें नहीं पाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई स्पेस थोड़े नहीं है ना, यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेस नहीं मिल रहा है इनमें, तो आप क्या बोल सकते हैं इनमें आईसीएस नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है इनका साइटोप्लाज्म के बारे में। जो इनका साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही डेंस होता है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। इसका साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है, और उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। ध्यान रखना है, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, और केंद्र बहुत बड़ा होता है इनमें, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर इसमें केंद्र बड़ा है तो इनमें जो वैक्यूल होगी या तो एबसेंट होगी या होगी तो बहुत ही छोटी होगी। ओके, समझ में आया? यानी इनमें जो वैक्यूल है अगर होगी ना तो बहुत ही स्मॉल होगी या एबसेंट होगी। ओके, अगर अपन इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें नहीं पाई जाती। इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पाई जाएगी तो वो फुली डेवलप्ड नहीं होगी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट फुली डेवलप्ड। ठीक है, अगर इसमें प्लास्टिड की बात करते हैं अपन, देखो जो प्रोप्लास्टिड स्टेज होगी ना उससे प्रोसेसेस होते हैं ये। ओके, समझ में आया? तो अपन ने देखा कि ये आइसोडायमेट्रिक होती है, स्मॉल होती है, थिन वॉल वाली होती है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, कम्पैक्टली अरेंज्ड होती है ये। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है इनमें, और जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर अपन मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें तो इनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ये सेल्स हैं, दीज सेल्स आर मोस्ट एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। ओके, समझ में आप? अगर अपन बात करें सेल साइकिल में इन सेल्स की, तो सेल साइकिल ऑफ मेरिस्टेम इज इन कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ डिवीजन। इट मींस दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड कंटिन्यूअसली। ठीक है, सो मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल। तो आपको करेक्टर्स याद हो गए होंगे? नहीं हुए? हो गए होंगे यार। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक और जो साइटोप्लाज्म है उसका जो रेशियो है ना वो हाई रहता है। हाई रहने के कारण क्या होगा कि अपने आप डिवाइड करती है। मेन कारण ये होता है इसका, सेल्स का डिवाइड करने का कारण क्या होता है, ये होता है एनसी का जो रेशियो है वो हाई होता है। अगर अपन इसमें प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो क्या बताया था मैंने, डेंस बताया था। ओके, और जनरली अगर जनरली सेल वॉल की बात करें तो इनमें जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी होती है। जनरली इनमें जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी होती है। केंद्रक है जो बड़ा होगा, यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इनमें पाया जा रहा है। थिन वॉल वाली होती है ये सेल्स। इसमें जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ना वो भी पाए जाते हैं। जो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं कि जो सेल वॉल है ना उसमें कनेक्शंस पाए जाते हैं एक सेल से दूसरी सेल को कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो ये क्या है, ये आपके प्लाज्मोडेस्माटा है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा इसमें हो सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा सीपी शर्मा क्लासेस।